ब्लॉग में 300 के ऊपर कमेंट्स होते हैं क्या देखते हैं? सब लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या है आपकी शादी की डेट, और ये भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि कुणाल और शिवानी मिले कैसे। ये रही लोकेशन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं किधर, मेरे प्री वेडिंग की लोकेशन देखने के लिए। हम लोग प्री वेडिंग सोच रहे जलगांव में करें, तो जलगांव के आजू बाजू के थोड़े स्पॉट्स हम लोग ढूंढ लेंगे। तो अभी हम पहले किधर जा रहे थे सर? अभी हम लोग है ना यहाँ पर एक प्री वेडिंग का एक अच्छा लोकेशन बना, तो वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और वो लोकेशन की बात ऐसी है कि हमारा ओपनिंग हमारे शूट से ही होगा, तो देखते हैं। हम लोग देखते हैं ना, प्री वेडिंग के लिए अलग अलग सेटअप बनाते हैं, वैसे जलगांव के पास एक सेटअप बना है। हाँ, और ये भी आ गए पापा। पापा किधर जा रहे हो? पापा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ पापा भी जा रहे, नमस्ते कर दो पहले। तो कमेंट करके जरूर बताना है ये अच्छा लग रहा है क्या, पहले क्वालिटी कैसी थी और अभी फर्क लग रहा है क्या, मतलब जर्क नहीं हो रहा है वगैरह। बाय नायरा, बाय बाय। चलो अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी मैं और कुणाल निकल चुके हैं। गिम्बल है किधर, उल्टा उल्टा इधर तो भाग जाता है, कुछ समझता नहीं, यूज नहीं करते आ रहे ना। बट ठीक है, अभी सोच रहे कि इतना सब कुछ अच्छे से सबको दिखाई दे इसलिए गिम्बल से ही शूट करते हैं। लेट्स सी कैसा शूट होता है ये वाला वीडियो। चलो कुणाल को पूछ लेता हूँ। शादी पास आ रही है, शॉपिंग हो गई, अब प्री वेडिंग हो रहा है, तो कुणाल सर को कैसा लग रहा है? जैसे जैसे डेट पास में आ रही है, तो फिर जैसे जब काम पड़े सब, वो जो ड्रेस सिलाने वगैरह प्री वेडिंग का सोचते हैं। अब तक सब ढीला ढीला काम चल रहा था, अभी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, स्पीड देना पड़ेगा। तो सब लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या हो सर, क्या है आपकी शादी की डेट, अभी से क्यों बताऊँ? तो ज़रा सब्र करो, आपको कमेंट भी करना चाहिए ना कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के यार बहुत अच्छा लगता है, ऐसा दिल बन जाता है। जैसे आप लोगों को, आप बोलते हो ना कि सुबह सुबह आपका व्लॉग देखते से दिन बन जाता है, वैसे हम लोगों को है ना आपके कमेंट्स देखते से ऐसा दिन बन जाता है। और पता है कि हम लोग जो जो कमेंट्स अच्छे लगते हैं ना, हम लोग का फैमिली का ग्रुप है, तो उसमें हम लोग है ना वो कमेंट का स्क्रीनशॉट निकालते हैं और हम लोग बोलते हैं कि अरे देखो देखो कितना अच्छा अच्छा कमेंट्स आया, कितना अच्छा लग रहा है। सब लोग प्लीज कमेंट किया करो, हां यार अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हाँ यार जो भी है बता दिया करो, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं हम लोगों के लिए। पहले ऐसा था डांस से रिलेटेड कमेंट्स आते थे, आपने डांस बहुत अच्छा किया, कोरियोग्राफ अच्छा किया, हम ऐसे वगैरह, और अभी फैमिली के लिए आते ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज कुणाल ने ना फाइनली एक लिस्ट बनाई है जिसमें उसने लिखा है कि उसके पेंडिंग काम क्या क्या बाकी है। तो पूछ लेते कुणाल को कि भाई तेरे काम कौन से बाकी जरा बता सकते। पहले तो अभी आज हम प्री वेडिंग के लोकेशन देख लेंगे, कहाँ कहाँ पे अच्छा लोकेशन है, वो होने के बाद फिर
ग्रेस सिलाने डालना है, जो मैं पुणे से कुछ ब्लेजर में यहीं से सिलाऊंगा, मैंने कपड़ा वहाँ से ले लिया है पुणे से, तो वो सिलाने डालना है। कुछ मेरे फॉर्मल्स है जो शादी के दिनों में मुझे पहनने हैं, शादी के बाद पहनने हैं, और उसके बाद फिर गाने डिसाइड करने हैं संगीत के। हाँ यार, आप लोग भी बताओ गाने कौन से कौन से गाने बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, इस पे आप लोग प्री वेडिंग देखना चाहते हो या फिर ये कपल डांस सोलो, जो आपके फेवरेट गाने हैं वो प्लीज कमेंट में भी शेयर करना कि ये गाने पे आप बनाओ, तो हमें अच्छा लगे तो सच में हम लोग वो भी ले लेंगे। और हाँ, आपकी कुछ आइडिया होगी ना तो भी बताओ कि हम लोग के ऐसे ऐसे आइडिया है, आप ये करो। मुझे लग रहा है हमने आज बहुत सारे सवाल पूछ लिए हमारे ऑडियंस से, ये ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आना चाहिए। एक तो आपको बताना है हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं वगैरह वो, दूसरा आपको बताना है कि हम कौन से सॉन्ग पे डांस करें या प्री वेडिंग करें वो। मुझे लग रहा है अभी ये कमेंट्स अच्छे जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर लोग सच में अपने को पसंद करते ना तो ये कमेंट्स 200 के ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो 300 दिखते, कितना प्यारे दिखते। 300 होगा क्या लगता है तुझे? हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है इतना फॉर्म में तो 100 के 2 के जगह 300 बोल दिए। चलो देखते ही यार कितना प्यार कितना है। हम आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए कैसे भी मेहनत कर करके व्लॉग बनाते हैं, और आप लोग भी इतने व्लॉग देखते हो, इतना प्यार करते हो, बस अभी देखना है ये प्यार कितना बड़ा है, कितना ज्यादा प्यार है आपको, देख लेंगे अभी तो कमेंट्स में, है ना? यस सर। ये व्लॉग में 300 के ऊपर कमेंट्स होते हैं क्या देखते हैं? और अगर ये व्लॉग में 300 के ऊपर हो गए तो हर व्लॉग में 300 के ऊपर चाहिए फिर, हम नहीं मानते 40-50 में नहीं मानते। अरे यार 40-50 कमेंट देख के बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ बोर तो नहीं हो रहा है ऑडियंस, निगेटिविटी आती है कभी कभी। सो आपको हमारे लिए एक काम करना है, जैसे आप लाइक्स कर देते हो ना 1,000, 1,500, 2,000 वैसे कमेंट भी करना। हाँ, लोकेशन के ऊपर पहुंच ही रहे, 22 किलोमीटर है यहाँ से जलगांव से। प्री वेडिंग के लोकेशन ढूंढना भी डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि आपको 2-3 दिन में प्री वेडिंग कम्प्लीट करनी है, आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको वो हिसाब से कॉस्ट्यूम ढूंढना है, वो हिसाब से कोरियोग्राफी करनी है कि क्या करना है। और ये टाइम तो आप लोगों ने इतना टेंशन दे दिया है ना, जिम्मेदारी बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा टेंशन है कि एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ गई है कि ऐसा लगता है भाई ये संगीत तो ऐसा होना ही चाहिए कि लोग बोले कि हाँ भाई कि नेक्स्ट लेवल था निखिल की शादी से, मतलब मेरे शादी हुई फिर बाद में निखिल की शादी हुई, तो अभी ये नेक्स्ट लेवल रहना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना चढ़ा दिया है हम लोगों को, तो अभी हम लोगों का भी काम बढ़ता है कि ये करना चाहिए। और दोस्तों आपको लगता है ना कि हम लोगों ने ऐसे डांस में, मतलब जैसे मैं कुणाल साथ में कर रहा हूँ तो मैं कुणाल निखिल और पापा ने साथ में करना चाहिए, ऐसे कुछ करना चाहिए, जो भी आपके आइडियाज हो प्लीज आप शेयर करो हम लोगों से। हम लोगों को लगता है ना कि हाँ यार ये आइडिया बहुत अच्छी है तो हम लोग चाहेंगे कि हाँ ये करें, या तो आपको लगता है कि ये सॉन्ग में हम लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलके करना चाहिए तो वैसे बताओ, हम लोग सोचेंगे कि हाँ सच में कुछ। देखो कुणाल की शादी है, फैमिली मेंबर की शादी है, तो आप भी फैमिली वाले हो तो फैमिली वालों को ही पूछ रहे हम लोग कि भैया आप भी आइडिया बताओ, 10 लोगों के 10 दिमाग जुड़ेंगे तो एक दिमाग बढ़ेगा और वो बनेगा एकदम खतरनाक सर्वश्रेष्ठ। सर 300 मीटर के बाद। और लास्ट टाइम निखिल की शादी में तो हम लोग हमारी फैमिली थी, पर अभी 15,000 लोगों की फैमिली है, 15,000 लोग। ये रही लोकेशन। देखते हो क्या वीडियो? थैंक यू ऐसे ही देखा करो आप लोग, ऐसे ही प्यार किया करो, आप बस बनाते रहो वीडियो। क्या? आप बस बनाते रहो वीडियो। नहीं, हम लोग बनाते रहेंगे और आप पक्का देखना व्लॉग में आप आओगे। अखिल सर ना? हाँ सर, आपके पूरे व्लॉग देखता हूँ। अरे यार थैंक यू सो मच। आप भी देखते हो क्या? सर सब व्लॉग देखता हूँ सर, आपके फैमिली व्लॉग भी, फिर उसके बाद में आपके डांस क्लासेस के भी सब। अरे यार थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये भी बहुत अच्छा है आप लोगों का। थैंक यू यार, थैंक यू, ऐसे ही प्यार करते रहना। और वो आपके जो भाई है वो वही है पुणे में? हाँ पुणे में।
होना, मतलब आप सबको जानते भी हो? सबको जानता हूँ मैं, पूरी फैमिली को जानता हूँ। वो आपकी लड़की है शायद नायरा। फाइनली हम लोगों ने लोकेशन देख लिया है, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जलगांव के पास इतना अच्छा कोई चीज बनी होगी प्री वेडिंग के लिए। मतलब हम लोग बॉम्बे, इंदौर, पुणे यहाँ जाते हैं ना, तो अभी मोंटी और मेरे वक्त तो वही हुआ। मैं गोवा में प्री वेडिंग शूट किया, निखिल ने मुंबई में किया था। मुंबई में स्पेशली जो अभी हम लोग देखने के लिए आए थे वही वो सब कुछ था, क्योंकि जलगांव के साइड कुछ नहीं था। बट मुझे, मेरे फ्रेंड है, मेरा भाई है, उन लोगों ने कॉल किया था, रौनक भाई और लव ने, कि हम लोगों ने ऐसी चीज बनाई है। पीयूष, तीन लोग मतलब मेन इनके ऑनर हैं, पीयूष और रौनक, दोनों मेरे अच्छे फ्रेंड भी है। तो इन्होंने बोला था कि अखिल हम लोगों ने किया है, बोले तो आप आके देखना। तो मिला यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मेरे भाई की खुद की शादी है कुणाल सर की। तो बोले अरे क्या बात कर रहे हो, बोले आप एक बार विजिट करो लोकेशन पे, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मैं देखने के बाद मतलब मैं खुद शॉक हूँ कि यार इतना अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन, वो भी जलगांव के पास, मतलब हम लोग को इतने दूर ट्रैवलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुणाल को कैसा लगा? बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा लोकेशन मिल जाएगा प्री वेडिंग के। मेरा पूरा दिन, एक पूरा सुबह और शाम इधर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सब कुछ है इधर, जो हम लोग बॉम्बे पुणे इधर उधर जाते हैं शूट करने, स्टूडियो में जो सब कुछ मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। मैं तो बोलूँगा जो जलगांव वाले या जलगांव के आसपास वाले, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। राइट, बहुत बेस्ट लोकेशन। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले दिनों में जलगांव या जलगांव के आसपास जितने भी शायद प्री वेडिंग के लिए सर्च कर रहे होंगे प्लेस, तो डेफिनेटली ये स्पॉट पे आएगी। और ये स्पॉट का एड्रेस वगैरह जैसे ही हम लोग आने वाले ब्लॉग में हम लोग को प्रॉपरली डिटेल्स पता चलेंगे तो हम लोग प्रॉपरली बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच रौनक एंड पीयूष भाई, मजा आ गया यार आपके स्पॉट देख के, है ना कुणाल? तो चलो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, और बीच में और एक दो स्पॉट है जो हम लोगों ने सोचे। तो यहाँ पर पूरा एक ही दिन चला जाएगा, अभी पूरा दिन चला जाएगा। दूसरे दिन हम लोग फिर जलगांव के आजूबाजू के स्पॉट्स करेंगे, मतलब स्टूडियो नहीं करेंगे अभी, अभी थोड़े आउटडोर लोकेशन जो होते हैं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंडोर तो जो सोचा था उससे बहुत अच्छा मिल गया। अभी आउटडोर का ही बाकी है, और आउटडोर का भी अभी हम लोग जैसे जैसे ट्रैवल कर रहे हैं ना वैसे वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि कल फिर से एक बार निकलेंगे मैं और कुणाल, जैसे आसपास का लोकेशन सर्च करेंगे कि कहाँ हम लोग कर सकते हैं। अभी शायद कुणाल और ये लोग, हम लोग मनु देवी गए थे, उसके पास का लोकेशन, मनु देवी का भी लोकेशन बहुत अच्छा था। हाँ, मनु देवी के आसपास का वो रोड जो अच्छा, मतलब जंगल में से आ रहे हैं। हाँ, वो वाला लोकेशन भी अच्छा है। तो हम लोग वैसे लोकेशन देखते हैं और फिर वहाँ भी प्री वेडिंग का सोचते हैं फिर। ओके, तो चलो निकलते हैं अभी घर की ओर, खाना वाना खाते हैं, क्लास में भी सब लोग रुके हैं। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। सो थैंक यू सो मच, ऐसे हमारे ब्लॉग देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।